दोस्तों आज के वक्त पर हम कॉल से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज करना पसंद करते हैं, फिर चाहे सुबह का गुड मॉर्निंग कहना हो या फिर रात का गुड नाइट। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आज हमारे इनबॉक्स काफी भरे रहते हैं। रियल लाइफ में हमसे भले ही कोई ज्यादा ना बोले, लेकिन चैटिंग करके हमारा इनबॉक्स भरना सबको आता है। हमें कब कौन क्या मैसेज कर दे और मैसेज करने के पीछे उसका इरादा क्या है, इस बात का तो हमें अंदाजा ही नहीं रहता। और वैसे भी चैटिंग में हम उसका फेशियल एक्सप्रेशन कहाँ देख पाते हैं। इसलिए दोस्तों अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर हम मैसेज करने वाले पर्सन का स्वभाव कैसे जानेंगे, वो भी सिर्फ उसके कुछ टेक्स्ट मैसेज पढ़ के। दोस्तों ये भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बात सच है कि हम किसी के भी मैसेज करने के तरीके या कह ले टेक्स्टिंग स्टाइल से उसके व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। हम यह बता सकते हैं कि वह कैसा व्यक्ति है और वह अपनी लाइफ से क्या चाहता है। चलिए दोस्तों दिल थाम के बैठिए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्स्टिंग स्टाइल के बारे में बताऊंगा जिसके बेस पर आप अपनी और दूसरों की पर्सनैलिटी को आसानी से पता कर सकेंगे। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, इमोजी टेक्स्ट। दोस्तों क्या आप अक्सर अपने टेक्स्ट पर इमोजी ऐड करना नहीं भूलते? अगर हाँ तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशन को सच्चाई के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपके मैसेज का गलत मतलब ना निकालें। आप कैसा फील कर रहे हैं लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए। इनफैक्ट आप मैसेज के टोन को भी लोगों तक भेजते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इमोजी हमारी भावनाओं या प्यार को दूसरों से बताने का एक तरीका होता है। इनफैक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप में इमोजी दोनों पार्टनर को आपस में और गहराई से जोड़ सकता है। नंबर 2, परफेक्ट ग्रामर टेक्स्ट। दोस्तों क्या आप अक्सर किसी सोशल मीडिया मैसेज या ईमेल को लिखते वक्त प्रॉपर ग्रामर का ध्यान रखते हैं, जैसे कि प्रॉपर पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा या क्वेश्चन मार्क? अगर हाँ तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि जितना यह आपको बढ़िया लगता है लोगों को ये उतना ही घटिया लगता है। कई स्टडी में ये देखा गया है कि हर सेंटेंस के बाद पीरियड या फुल स्टॉप लगाने वाले लोगों को बाकी के लोग कम भरोसेमंद समझते हैं। बिंघमटन यूनिवर्सिटी में हुई 2016 की स्टडी बताती है कि जिस टेक्स्ट के पीछे फुल स्टॉप या पीरियड लगा होता है लोग उस टेक्स्ट पे भरोसा कम करते हैं। 2018 की स्टडी तो ये भी बताती है कि अगर कोई सिंगल वर्ड के पीछे फुल स्टॉप लगा के भेजा जाए तो इसे लोग ज्यादा निगेटिव लेते हैं। हालांकि दोस्तों ये टेक्स्ट मैसेज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन इन्हें लिखने वाले लोगों में काफी अच्छी क्वालिटीज होती है, जैसे कि ये थॉटफुल होते हैं, ये एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, ये जल्दी मैसेज करना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट इन्हें फेस टू फेस कन्वर्सेशन ज्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग एक्सीलेंट थिंकर होते हैं, ये लॉजिक को इमोशन के ऊपर रखना पसंद करते हैं, और यही वो वजह है कि ये छोटी से छोटी डिटेल पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं, इसलिए सेंटेंस के पीछे भी फुल स्टॉप लगाना ये कतई नहीं भूलते। नंबर 3, मल्टीपल शॉर्ट टेक्स्ट। दोस्तों कि आप टेक्स्ट को एक लाइन में लिखने की जगह उसे कई छोटे छोटे टेक्स्ट में बांट देते हैं, जैसे कि तुम कहाँ गए, क्यों गए, कब गए, कैसे गए, ओके, गुड नाइट, बाय। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई थॉट आया आपने तुरंत उसे टाइप कर दिया और दूसरे थॉट का इंतजार भी नहीं किया। ऐसे शॉर्ट सेंटेंस को देखकर लोग आपको थोड़ा आलसी समझ सकते हैं, बट एक्चुअल में आप काफी एनर्जेटिक पर्सन हैं। आपके पास दोस्तों की कमी नहीं है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में काफी पॉपुलर हैं, और यही वजह है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए टेक्स्टिंग बहुत ही आसान है, आप कैजुअल वर्ड्स को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लेकर भेज देते हैं। इनफैक्ट टेक्स्टिज्म यानी कि बड़े वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में भेजना आपकी आदत है, जैसे कि LOL, GNK, BOL, ASAP, etc. हालांकि दोस्तों जो लोग आपकी तरह टेक्स्ट नहीं लिखते उनको आप काफी इलिटरेट यानी कि अनपढ़ और आलसी लगते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम की रिसर्च के मुताबिक टेक्स्टिज्म हमारी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकता है, खासकर ये बच्चों के स्पोकन और रिटन दोनों स्किल को बेहतर करता है। हेलो दोस्तों, आज से अपने उन दोस्तों को आलसी कहना छोड़ दीजिए जो टेक्स्ट लिखने में काफी कंजूसी करते हैं। नंबर 4, पैराग्राफ टेक्स्ट। दोस्तों क्या आपको टेक्स्ट मैसेज में एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखना पसंद है? अगर हाँ तो इसका मतलब है कि आप काफी थॉटफुल हैं और आप मैसेज में कंटेंट के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट के इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं। आपको डर है कि कहीं लोग आपकी एक छोटे से मैसेज का गलत मीनिंग ना निकाले, इसलिए आप कुछ डिटेल अपने मैसेज के साथ जरूर ऐड कर देते हैं।
इनफैक्ट लोगों को कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है, परफेक्ट ग्रामर वालों की तरह आप भी गोल ओरिएंटेड है और ऊपर ऊपर बात करने की जगह एक डीप कन्वर्सेशन करना आपको काफी अच्छा लगता है। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले डिटेल्स को बारीकी से एनालाइज करते हैं और इसके बारे में गहराई से सोचते हैं। आप अक्सर अपने मैसेज में सॉफ्ट रहते हैं क्योंकि अपने इमोशन को लेकर जिद्दी बन जाना आपकी फितरत में नहीं है। नंबर 5, वन वर्ड रिस्पॉन्सेस। दोस्तों, अगर आप अक्सर एक ही शब्द में कोई रिप्लाई दे देते हैं, जैसे कि गुड, ओके, बाय, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी काफी रिजर्व्ड है, यानी कि आप अक्सर शांत रहते हैं और दूसरों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते। आप अक्सर अपने काम में बिजी रहते हैं और शायद यही वो कारण है कि आपको अच्छे से रिप्लाई देने का भी टाइम नहीं मिलता। आपका नेचर काफी इंट्रोवर्टेड है और आप अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, और क्योंकि आप अपने इमोशन या फीलिंग को लेकर टेक्स्ट में ओपन नहीं हो पाते, इसलिए आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके मैसेज की लेंथ कितनी है। आप अपना ज्यादातर समय प्रेजेंट मोमेंट में खर्च करना चाहते हैं। आप इंडिपेंडेंट, सेंसिटिव और लॉजिकल थिंकर हैं। हालांकि जो आपकी तरह टेक्स्ट नहीं करते, उन्हें आपका टेक्स्ट थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, क्योंकि आपका बहुत छोटा टेक्स्ट मैसेज यह इशारा करता है कि आप सामने वाले से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। इनफैक्ट आपको उससे इंटरेक्ट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। चलिए दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्राई करिए कि किसी भी वर्ड को फुल स्टॉप से खत्म करने की जगह आप इमोजी से उसे खत्म करिए। वैसे दोस्तों, अगर आप किसी पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप और मजबूत करना चाहते हैं, तो ट्राई करिए कि आपका मैसेज उसी टेक्स्टिंग स्टाइल में हो जैसा उस पर्सन का है। तो दोस्तों, आपका अपने टेक्स्टिंग स्टाइल के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आपके सीडो से वैल्यू मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।